हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू आई होप यू हैव कंप्लीटेड योर लेसन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड विद क्वेश्चन आंसर एंड ऑल द टेक्सुअल एक्सरसाइज टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर लेसन नंबर थ्री स्माइल प्लीज स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट गुजराती लेसन नंबर थ्री स्माइल प्लीज स्माइल प्लीज़ हम कब बोलते हैं जब हम किसी की फोटो क्लिक करते हैं तब क्या कहते हैं स्माइल प्लीज स्माइल मतलब हंसी इस चैप्टर का मोरल है मूल्य रमुजनु जीवन में महत्व समझ से जीवन में महत्व समझ से हमारे जीवन में खुशी की कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे जन जीवन में खुश रहना कितना जरूरी है इस बात की समझ हम इस चैप्टर में समझेंगे ओके लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नानी नानी लालू बाग में फरवा जाए छे। बधा दादाओ बाग में हाथ ऊपर करीने हास्य करी रहा हता। नानी अने लालू नानी और लालू दोनों गार्डन में घूमने जा रहे थे सुबह सुबह तब उन्होंने देखा कि दादाजी मिलके अपने दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर से हंस रहे थे दादाजी को देख के दादाजी को देख के लालू नानी से पूछता है नानी आ बधा दादा शाटे हसी रहा छे, नानी जी ये सब दादाजी क्यों हंस रहे हैं तब नानी जी लालू को कहते हैं बेटा आ लोग मुक्त मने हास्य करी रहा है आप जीवन में हास्य खूब जरूरी है मारा मोबाइल में मा अलग अलग चेहरा है हास्य चेहरा बनाए नानी जी लालू को समझाती है आपने भी देखा होगा कि ये कौन सा योग है हास्य योग रामदेव बाबा ने सबको सिखाया है अपने दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर से लोग सुबह सुबह गार्डन में ये वाला योग करते हैं हंसने से हमारा तनाव जो मानसिक जो हमारा तनाव होता है फ्रस्ट्रेशन होता है जो टेंशन होता है उसमें से हमें राहत मिलती है हम खुश होते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है इसलिए नानी जी लालू को समझाती है कि ये सब दादाजी अपना मन खोलकर अपना दिल खोलकर हंस रहे हैं हमारे जीवन में हंसी का बहुत इम्पोर्टेंट है आपके मोबाइल मौ में भी बहुत सारी स्माइलीज इमोजी होगी आपको भी जो इमोजी पसंद है वो आपको ऐसे बॉक्स में सर्कल बना के फोर इमोजीज बनानी है तो इस चैप्टर में हम खुशी का हंसी का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है वो समझेंगे ओके लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर लेसन नंबर थ्री स्माइल प्लीज चलो बाड़कों बदाई एक-बीजा ने गलीपची करो જોઈએ શું થાય છે ચલો બચ્ચો હમ એક દુસરે કો ગુદગુદી કરતે હે દેખ તો ક્યા હોતા હે આપકે બાજુ મે આપકી મમ્મી પાપા આપકે ભાઈ બહેન જો ભી બેઠે હે ઉનકો આપ ગુદગુદી કરો તો ક્યા હોગા હસવાનું આવે છે ને ઉનકો હસી આ રહી હે ના આજે આપણે હસવાની જ વાતો કરવાના છે આજ હમ हंसने की ही बातें करने वाले हैं जी हाँ हास्य विषय थोड़ू जानिए जी हाँ चलो बच्चों हम हंसी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं हास्य ए मनुष्य ने मिलेली सौथी श्रेष्ठ लागणी छे हसी खुशी वो मनुष्य को मिली हुई सबसे बेस्ट फीलिंग है हंसने से हमारा टेंशन दूर हो जाता है हम थक गए होते हैं बहुत सारा के भी थक जाते हैं कंटाल जाते हैं फर्स्ट्रेट हो जाते हैं तो जब हम हंसते हैं जॉक्स जॉक्स सुनते हैं कॉमेडी सीरियल देखते हैं तो हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं हास्य द्वारा लोग को एक बीजा साथ जोड़ा छे हंसी के द्वारा लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं हमारे घर पे कोई आता है तो हम उनका हंस के हंसी के साथ वेलकम करते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगता है तेमनी बच्चे ना संबंध मजबूत बने से उनके बीच के रिलेशन स्ट्रांग बनते हैं हमें रास्ते में कोई मिलता है हमारा जान पहचान वाला है हमारा फ्रेंड है हमारे रिलेटिव्स है या तो फिर हम कभी उनसे पहले मिल चुके हैं वो अगर हमें मिलते हैं तो हमें उनको उनके सामने स्माइल करनी चाहिए नाना मोटा बाड़क को एम बधाए दिवस में बे त्रण वक्त तो मन ने हँसव जो छोटे हो बड़े हो बच्चों सबको दिन में दो तीन बार अपना दिल खोल कर अपना मन खोल कर जरूर हंसना चाहिए हँसवा अपना शरीर ने अनेक फायदा हंसने से खुश रहने से हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे होते हैं तो आइए हम हंसने से हमारी बॉडी को हमारे मन को क्या फायदे होते हैं वो सीखते हैं मुक्त मने हसवाती आपला शरीर माणु लोहिनो दबान ओचू थाय छे दिल खोलकर हंसने से हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होता है मानसिक तनाव घटे छे मेंटल स्ट्रेस कम होता है हंसने से हमारे मन की पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती है आप पढ़ाई करके या फिर पापा ऑफिस के ऑफिस से आते हैं तो शाम को वो सब मिलके कॉमेडी सीरियल देखते हैं तो सब साथ में मिलके के हँसते हैं तो दिन की थकावट दूर हो जाती है लोहिमा प्राणवायु नुक प्रमाण वधे प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा हंसने से बढ़ती है हृदय मजबूत बने छे हृदय मतलब हार्ट मजबूत मतलब स्ट्रांग हमारा हार्ट स्ट्रांग बनता है अपना शरीरनी रोग प्रतिकारक शक्ति वे थे अपना शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति वे हमारी बॉडी की ह्यूमिनिटी पावर बढ़ती है हंसने से बॉडी की ह्यूमिनिटी बढ़ती है अपना चेहरा पग और पीठना स्नायुओ मजबूत थे अपना चेहरा पेश पग लेग अने पीठना बैक के मसल्स स्ट्रांग होते हैं यहाँ पे देखिए ये तीनों फ्रेंड्स इतना लोट पोत होके हंस रहे हैं इन तीनों को देख के आपको भी हंसी आ रही है ना इस तरह हंसने से हमारे फेस के पैर के बैक के जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं કોઈપણ રમુજી ટૂચકાઓ સાંભળીને ખળખળાટ હસીએ તો આખા દિવસનો થાક પળવારમાં ઉતરી જાય છે. કિસી ભી હસને વાલે જોક્સ કો હગર હમ સુનતે હૈ ઓર જો જોર સે દિલ ખોલકર મન ખોલકર હસતે હૈ તો પૂરે દિન કી થકાવટ પલ ભર મેં ચલી જાતી હૈ. જોયુ બાળ મિત્રો હસવા થી કેટલા ફાયદા થાય છે તો સદાઈ હસતા રહો. અને બધાને હસાવતા રહું دیکھا બચ્ચો હસને સે કેટને سارے ફાયદે હોતે હે તો હમે હંમેશા હસતે રહેના ચાહીએ ઓર दूसरो કો ભી હસાતે રહેના ચાહીએ હાસ્ય વિશે ની કહેવત પણ છે હસે તેનુ ઘર વસે હસી કે બારે મે એક કહાવત હે હસે તેનુ ઘર વસે જો હસતા હે uska ghar basta hai matlab घर में हमेशा खुशी रहती है तेथी जीवन में गमी तेवी मुश्किलियों आवे, ते आवे त्यारे हमेशा हसीने तेनो सामनों करवो जो जीवन में तेथी जीवन में गमे मुश्किलियों आवे त्यारे हमेशा हसीने तेनो सामनों करवो ये हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल आती है तो हमें उसका हंस के सामना करना चाहिए हमें दुख दुखी होना नहीं चाहिए मुश्किलियों आप जती रह से हमारी मुसीबत हमारी तकलीफ़ अपने आप चली जाएगी तो हँसता रहो हा हा, हा 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 तो बच्चों हमेशा हँसते रहो इस चैप्टर के राइटर का नाम है रेखा हितेश तड़ाविया रेखा हितेश तड़ाविया Thank you.